आज से सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल की कीमत 2.41 रुपए घटा, डीजल के दाम में 2.25 रुपए की कमी। दिल्ली में अब 64.24 रुपए में बिकेगा पेट्रोल, कोलकाता में 71.68 रुपए हुई कीमत, अगस्त के बाद छठी बार गिरी कीमत। मुंबई में पेट्रोल की नई दर 71.91 रुपए, चेन्नई में 67.01 रुपए। दिल्ली में 53.35 रुपए लीटर हुआ डीजल का भाव, कोलकाता में 57.95 रुपए, 2 हफ्ते में दूसरी बार गिरी डीजल की कीमत। मुंबई में 61.04 रुपए में 1 लीटर डीजल, चेन्नई में डीजल का नया भाव 56.84 रुपए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने जा रहे हैं बीजेपी सदस्यता अभियान, नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम, पुराने सदस्यों की सदस्यता भी की जाएगी रिन्यू, खुद प्रधानमंत्री की सदस्यता होगी सबसे पहले रिन्यू। सदस्यता लेने के परंपरागत तरीकों में किया जाएगा बदलाव, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए भी मिलेगी बीजेपी की मेंबरशिप। इस वक्त बीजेपी के कुल 3.25 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं, हर 6 साल पर रिन्यू करनी होती है सदस्यता। हेडक्वार्टर से शुरू होगा अभियान, मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भाषण, 31 मार्च 2015 तक चलेगा अभियान। उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच समझौते पर हुई बातचीत, शपथ ग्रहण समारोह के बाद मिले दोनों नेता। शिवसेना बीजेपी गठबंधन की संभावना बढ़ी, आज तक के से खास बातचीत में उद्धव ठाकरे बोले, अभी तक ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। सर और आज फाइनल नहीं ना सर, आज उद्धव ने दिया जल्दी ही सामने आ जाएगा समझौते की रूपरेखा, सूत्रों के मुताबिक पोर्टफोलियो को लेकर साफ साफ तस्वीर चाहती है शिवसेना। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह के फोन करने पर पहुंचे उद्धव, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदगी पर जताई खुशी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में नई सरकार ने ली शपथ, सीएम फडणवीस के साथ 9 मंत्रियों ने ली भी शपथ, 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। सुधीर मुंगटीवार, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से ने बतौर कैबिनेट मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। पंकजा मुंडे भी बनी कैबिनेट मंत्री, शपथ के लिए पंकजा का नाम पुकारे जाने पर तालियों से गूंजा वानखेड़े स्टेडियम। फडणवीस ने कहा सिंचाई घोटाले की जांच होगी प्राथमिकता, महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले में अजीत पवार का उछला था नाम। वानखेड़े में शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई स्वच्छता की पहल, राजीव प्रताप रूडी ने संभाला झाड़ू, स्टेडियम साफ करने में जुटे कार्यकर्ता। 1984 के दंगा पीड़ितों के समर्थन में आ गया केजरीवाल, आज पश्चिमी दिल्ली में इंसाफ की पुकार नाम से रैली का आयोजन। रैली में केजरीवाल उठाएंगे दंगा की जांच के लिए बनी एसआईटी का मुद्दा, आपकी सरकार के दौरान बनी एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ने पर सवाल। आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज के पास 84 दंगों में मारे गए लोगों की याद में बन रहे स्मारक के कामकाज की करेंगे शुरुआत। 84 दंगों में इंसाफ के लिए ऑल इंडिया सिख फेडरेशन ने भी उठाई आवाज, आज पंजाब बंद रखने की अपील। जम्मू कश्मीर झारखंड दिल्ली में फिलहाल 1984 के दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजे का लाभ, चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसा मुआवजा। एकता दिवस पर दौड़ ने मोदी के कई मंत्री भी पहुंचे, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्री ने लगाई दौड़। पटेल जयंती पर राष्ट्रपति भवन में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिखाई थी हरी झंडी। पटेल के नाम दौड़ पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने मोदी पर लगाया लौह पुरुष की विरासत चोरी करने का आरोप, मणिशंकर अय्यर ने कहा चोरी करके कोई मालिक नहीं बन सकता, यह है हमारी विरासत। चोर चोरी करने की कोशिश करे तो चोर बन जाता है क्या मालिक, ये हमारी विरासत है, हम देश के साथ उसको बांटने को तैयार है लेकिन किसी और के हाथ सौंपने को हम तैयार नहीं है। मोदी ने इंदिरा गांधी की शहादत को किया याद, पुण्यतिथि पर किया ट्वीट, मैं देशवासियों के साथ पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को करता हूं याद।
इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पहुंचे सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने पर आपत्ति नहीं, बोले इंदिरा और पटेल की अपनी अपनी अहमियत, देखना होगा देश एक ही दिन दोनों हस्तियों को सम्मान देगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सरदार पटेल को किया याद, लिखा पटेल ने राष्ट्रीय एकता को दी थी अहमियत, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संघ पर लगाया था प्रतिबंध। 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनीमोई की बड़ी मुश्किल, स्पेशल कोर्ट ने तय किए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा पीएम को पत्र, काले धन से जुड़े 10 बिंदुओं पर दिया जोर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का संबंध महज आयकर से है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नहीं लागू होता, बोले ये जेटली से पूछिए उन्होंने सही किया या गलत। काफी जानकार है वो, ये बात नहीं जानते हैं। वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूंगा। और उन्होंने सही किया नहीं सही किया ये तो सब प्रधानमंत्री को तय करना है, मैंने जो मेरी समझ में है वो बताया। मुकेश अंबानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेकेंगे माथा, पत्नी नीता का है जन्मदिन, परिवार भी हुआ साथ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छोड़ेंगे गांदरबल विधानसभा सीट, गांदरबल में अब्दुल्ला परिवार का रहा है दबदबा, सोनवार या बीरवाह से चुनाव लड़ सकते हैं उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के शोपिया में सर्किट हाउस के करीब आईडी बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज, सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था आतंकियों का इरादा। घाटी में तबाही की फिराक में लश्कर ए तैयबा, श्रीनगर में सक्रिय है लश्कर का स्लीपर सेल, छापेमारी में 3 AK-47 राइफल और 14 पिस्टल बरामद। कमजोर पड़ा नीलोफर तूफान, मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाके में तेज हवा के साथ होगी बारिश, लेकिन चिंताजनक नहीं हालात। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के सबसे बड़े गुनहगार वारेन एंडरसन की अमेरिका में मौत, हादसे में गई थी 3000 से ज्यादा की जान। एंडरसन की मौत पर नहीं थमा विरोध, भोपाल में एंडरसन के खिलाफ निकला धिक्कार मार्च। वर्धमान धमाका मामले में 3 आतंकियों से पूछताछ में हुआ खुलासा, बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक स्टेट की स्थापना था मकसद। रजिया बीबी और एलियना बीबी और बदरुल आलम से जांच एजेंसी ने की पूछताछ, कुछ मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग की बात कबूली। मदरसों में साजिद नाम का शख्स देता था जिहाद और आतंकी ट्रेनिंग, यूसुफ को सौंपी गई थी वर्धमान धमाके की जिम्मेदारी। वृंदावन में इटली की एक महिला ने साधु पर लगाया अश्लील हरकत करने का आरोप, पड़ोस में रहता था आरोपी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सगाई समारोह के दौरान लाखों की गहनों की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सगाई समारोह में शामिल थे लड़का और लड़की, मौका मिलते ही दूल्हे की मां का बैग ले उड़े। दिल्ली के विकासपुरी में एक सिपाही की संदिग्ध मौत, यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है सौरभ मलिक। 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था सौरभ, बैरक में मिली लाश, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या, कार में सवार थे बदमाश। पार्षद शौकील मलिक को घर के बाहर ही मारी गोली, हत्या को लेकर पूरे इलाके में तनाव। फरीदाबाद के इस्माइलपुर इलाके में 9 साल के बच्चे की हत्या, पिता के मुताबिक दोस्तों के साथ गया था मासूम। हरियाणा के पलवल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत काम करने वाले गौरव नाम के शख्स ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ठहराया जिम्मेदार, छुट्टियां लेने की वजह से पत्नी के सामने डांट खाने से परेशान। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पिलर टूटने से झुकी 6 मंजिला इमारत, घर खरीदने वाले अपने मकान की फिक्र में डूबे, इमारत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। दिल्ली में अवैध रूप से चलाए जा रहे 10 हुक्का बार पर छापा, स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी, बिना लाइसेंस चलाए जा रहे थे हुक्का बार। हरियाणा के गोहना में पंजाब नेशनल बैंक से चोरी, 5 किलो और गहने बरामद,
चोरी के मुख्य आरोपी सतीश को कोर्ट में पेशी के बाद 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। गाजियाबाद पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ छेड़ी मुहिम, 2 नवंबर तक जमकर होगी फरार अपराधियों की धरपकड़। यमुना एक्सप्रेस पे सड़क हादसे में इलाहाबाद के पूर्व मेयर रवि भूषण वधावन की मौत, दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे वधावन। यूपी के आजमगढ़ में नौकरी के लिए बेटे ने ली पिता की जान, 31 अक्टूबर को होना था रिटायर, दोनों आरोपी बेटे गिरफ्तार। कोल्हापुर में बलात्कार और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, लोगों ने पीट पीट कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के घर के पास रहता था आरोपी, नाबालिग को बहला कर ले गया था घर। हरियाणा के यमुनानगर में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ, 4 दिन बाद आया गिरफ्त में। तेंदुए की वजह से सोसाइटी के लोगों के लिए बाहर निकलना था मुश्किल, पकड़े जाने पर लोगों ने ली राहत की सांस। लिठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर 25 नवंबर तक लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सामाजिक संस्था ने डाली थी जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा है जवाब। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और खिड़की एक्सटेंशन से सुर्खियों में आए, 3 लाख रुपए जुर्माना भरने की मांग। अफ्रीकी मूल की 12 महिलाओं में बांट दी जाएगी रकम, सोमनाथ भारती के खिलाफ कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया दावा, इस साल दिसंबर तक पूरा होगा मास्टर प्लान, डीडीए की योजना एयरपोर्ट से नरेला तक स्मार्ट सिटी बनाने की है। व्यापारी विमान से टकराकर मामूली क्षतिग्रस्त हुआ युद्धपोत आईएनएस कोबरा, विशाखापट्टनम में समुद्र में 300 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ हादसा। बेंगलुरु में फिर हुआ 6 साल की छात्रा से बलात्कार, गुरुवार को स्कूल परिसर में ही हुई थी वारदात। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने हिंदी पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। पुलिस के सामने 47 साल के आरोपी शिक्षक जयशंकर ने गुनाह कबूला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा निजी स्कूलों में हो रही है ज्यादातर ऐसी वारदात, सावधानी बरतने के लिए जारी किया गया है सर्कुलर। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में इंडिया टुडे कप के लिए डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन, देश विदेश से आए 22 स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। वाद विवाद प्रतियोगिता का मुद्दा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच फ्री मूवमेंट होना चाहिए या नहीं, 3 दिनों तक चली वाद विवाद प्रतियोगिता। पाकिस्तान नेपाल दुबई तक से आए छात्र, पाकिस्तान के लॉकस स्कूल के छात्र को चुना गया विजेता। एक्चुअली ये वसंत वैली का एक ट्रेडिशन सा बन गया है कि वी कॉल स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर एंड दिस वाज द 25th ईयर, तो हमने कोशिश करी कि वी ट्राई एंड एक्सपैंड आवर डोमेन एंड कॉल पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, वी गॉट नेपाल एंड दुबई आल्सो इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हर साल वसंत वैली स्कूल करता है कई ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रों की पूर्ण क्षमता का विकास है मकसद। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी 6 विकेट पर 570 रनों के बाद की घोषित, अबू धाबी में चल रहा है मुकाबला। पारी में यूनुस और मिसबाह उल हक का बड़ा योगदान, यूनुस ने लगाई डबल सेंचुरी और मिसबाह की सेंचुरी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब, 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 22 रन। श्रीलंका की टीम पहले वनडे के लिए भुवनेश्वर पहुंची, कल से वनडे सीरीज की शुरुआत। दिल्ली में खेले जा रहे दिलीप ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन सेंट्रल जोन ने हासिल की 111 रनों की बढ़त।
2014 के इंडिया टुडे ग्रुप के स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड का ऐलान, बड़े राज्यों में तमिलनाडु और छोटे राज्यों में गोवा रहा नंबर वन। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निवेश समेत 8 मानदंडों पर हुआ स्टेट ऑफ द स्टेट का चयन। कृषि के क्षेत्र में बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले पायदान पर रहा, पंजाब दूसरे, हरियाणा तीसरे पायदान पर। छोटे राज्यों में कृषि के क्षेत्र में पुडुचेरी नंबर वन, गोवा दूसरे और दिल्ली तीसरे पायदान पर। उपभोक्ता बाजार में पंजाब नंबर वन, तमिलनाडु नंबर दो और उत्तराखंड नंबर तीन। शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने मारी बाजी, पहले पायदान पर काबिज, केरल का रहा दूसरा नंबर। गवर्नेंस में बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में दिल्ली रहा नंबर वन। श्रीलंका के कोसलांडा इलाके में जमीन धंसने से भारी नुकसान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन में लगे खोजी कुत्ते, लोगों के मुताबिक सुनामी के बाद ये सबसे बड़ी तबाही। कोस्टा रिका में ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय, आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में स्पेस टूरिज्म रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट के दौरान धमाका, एक पायलट की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। अमेरिका के डल्लास चिड़ियाघर में गिरा परिवार में नया मेहमान, नवजात है 6 फीट लंबा और वजन 54 किलो।